इंजीनियरिंग भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग छोड़ के फिर सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहा? क्योंकि सिविल सर्विसेज में ज़्यादा डाइवर्स स्कोप है, ज़्यादा तरह के एरिया में काम करने का मौका मिलता है और मुझे ऐसा लगा मेरी पर्सनालिटी से भी कहीं ना कहीं मैच करता है। मैं तो समाज में मीनिंगफुल चेंज लाना चाहती हूँ। आपके पापा डॉक्टर थे तो आप डॉक्टरी फील्ड में ही, या फिर भाई भी आपके MBBS है तो आप उसमें क्यों नहीं जाना चाहा, प्रशासनिक फील्ड में क्यों आए? MBBS मेरा इंटरेस्ट नहीं था शुरू से, तो तब मुझे लगता था कि मैं इंजीनियरिंग में ज़्यादा अच्छा करूँगी। फिर इंजीनियर बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इंजीनियर से भी बेटर मेरे लिए ये फील्ड ज़्यादा। कितने घंटे की तैयारी करी आपने? शुरुआती महीनों में 8 से 10 घंटे। आपने क्या कोचिंग भी करी? मैंने शुरुआती उसमें लिया था कोचिंग का सहारा, लेकिन चूंकि कोविड आ गया था तो फिर पूरा बाय होम ही करना पड़ा। आपको क्या लगता है कोचिंग जरूरी है बच्चों के लिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि कोविड ने प्रूव कर दिया कि कोचिंग जरूरत नहीं है। आप इसका श्रेय किसको देंगे माता पिता की सफलता का? अपने टीचर्स को, अपने भाई को, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है पूरी जर्नी में। थैंक यू।